नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल यानी कि आपका अपना चैनल एसी एस्ट्रो। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय इसलिए क्योंकि पिछले 7-8 दिन में, 10 दिन में इतने कमेंट आए हैं कि आकाश जी वास्तु पे कुछ बनाइए, वास्तु पे कुछ बताइए। तो हमने डिस्कस किया कि कोई परिवार का मैटर है भाई, परिवार वाले कह रहे हैं वास्तु पे बनाइए, तो हमने बनाया। तो आकाश जी अब तैयार हैं अपनी प्रेजेंटेशन अपने रिसर्च के साथ, तो तैयार हो जाइए। आज आपको वो वास्तु के टिप मिलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। चलिए स्वागत करते हैं आकाश जी का। आकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, राम राम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रोहित जी, जितनी एबंडेंस में हम अपनी फैमिली मेंबर्स को और जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं या जितने भी ये शेयर जहाँ पर भी ये वीडियो होगा जो देख रहे होंगे पहली बार, जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स, उनको जितनी भी छोटी छोटी चीज से भी उनके घर में प्रोस्पेरिटी और वैल्यू आने लगे, तो यही हमारा मकसद है। सो नंबर वन, वास्तु टिप्स। वास्तु शास्त्र क्या है? तो वास्तु शास्त्र एक एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चरल साइंस है। इंडिया में कभी भी कोई भी चीज साइंस के आधार पर ही थी, जो बताती है कि किस तरह की वस्तुओं से किस तरह की एनर्जी आती है हमारे घर में, हमारे जहां पर हम आराम करने आते हैं, जहां पर हम रिलैक्सेशन करने आते हैं, जो जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है, क्योंकि वो ही घर के अंदर या तो हम दुखी होते हैं या सुखी होते हैं, और उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने। या हम जब गार्डन जाते तो हम लगते हैं आहा, कितनी फ्रेश एयर है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के। पहाड़ों पे जाते हैं तो हर जगह की एक एनर्जी होती है। तो उसी तरह से ये कुछ छोटे छोटे टिप्स है, आपने सुने ही होंगे, बट ये रिविजन है। ये रिवाइज करो कि क्या ये सब चीजें फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। नंबर वन रोहित जी, एंट्रेंस। अगर आप देखेंगे इस इमेज में, मैंने इमेज रिप्रेजेंटेशन इसलिए दिए कि आप देखिए कि एंट्रेंस कितना साफ है, लाइट कितनी आ रही है अंदर, किस तरह से। अगर लाइट नहीं है तो आर्टिफिशियल लाइट भी आप लगा के उसको लाइट अप कर सकते हो। तो दैट मीन्स आपका एंट्रेंस जो है घर का वो क्लटर फ्री होना चाहिए। इधर ही पड़े जूते, इधर ही पड़े कोई कपड़े, इधर ही टंगे हुए बाहर कहीं हैंगर पे बहुत सारे क्या बोलते हैं कपड़े, चाबियां, ये प्रॉब्लम करेगी इसको। ये एरिया को एकदम क्लटर फ्री रखो, और मेक श्योर कि आप घर में जब एंटर करते हो, अगर आपके घर में कोई बैरियर है, जैसे आपके घर में एंटर करते सामने कोई टेबल रखा हुआ है या सामने कोई ऐसी बैरियर है जो जो आपको ऑब्स्ट्रक्ट करती है अंदर आने में, कि आपको थोड़ा साइड से होके जाना पड़ता है, तो मेक श्योर कि एनर्जी भी उसी तरह साइड से होके आ रही है। सो एनर्जी फ्रीली फ्लो नहीं कर रही अंदर। तो मेक श्योर आप अपने घर के अंदर से ऐसी जगह पे जो एंट्रेंस होता है वहां उसको बहुत क्लीन और बहुत इस तरह से क्लटर फ्री रखें। रोहित जी, नेक्स्ट है हमारा फ्रंट डोर। अब हम घर के अंदर थे, अब हम घर के बाहर चले जाते हैं। घर के बाहर से जो फ्रंट डोर है ना, उसका दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान देनी है। नंबर वन उसका कलर, और नंबर टू उसका कंडीशन। उसके ऊपर चिप लगे हुए, उसके ऊपर से कचरा निकला हुआ है, उसके ऊपर से कोई पट्टी निकली हुई है, वो जब उसको खोलते तो ऐसी कोई आवाज आती है, कीकू कीकू जो भी आवाज आती है, ऐसी आवाजें आती है अगर, तो दैट मीन्स आपके घर में है ना मनहूसियत आएगी, बरकत नहीं आएगी। अगर कोई भी घर में डोर के अंदर से आवाज आ रही है, तो आप देखो जब पुराने जमानों में मूवीज होती थी तो उसमें करते थे क्या ये है, मतलब भूत भूतिया साउंड है, ईविल की साउंड है, तो इसको नेगेटिव एनर्जी के साथ जोड़ा गया। इसलिए आप सोचिए कि अपने घर का जब भी दरवाजा खुले तो स्मूथली खुले। दूसरी बात, पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। जो नेचुरल बेनिफिक कलर्स है वो है ग्रीन, ब्लू और रेड। अब ये ब्लू डार्क ब्लू नहीं, लाइट ब्लू है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका बेस्ट प्लैनेट कौन सा है, या आपकी फैमिली के हिसाब से सबके लिए सबसे कॉमन फेवरेबल प्लैनेट कौन सा है, तो उसका भी हम पेंट करा सकते हैं, ताकि वो एनर्जी अट्रैक्ट हो आपके घर में। तो जी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो जैसे हम कहते हैं कि ओहो काला कपड़ा पहन के बाहर जाएंगे तो बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि ब्लैक अट्रैक्ट हीट। तो उसी तरह हमें डोर का कलर भी इस तरह से रखना चाहिए, तो हीट अट्रैक्ट ना करे, प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट करे, बेनिफिशियलनेस अट्रैक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, उसके आगे लिविंग रूम। अब लिविंग रूम की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित जी। सबसे इंपॉर्टेंट है लिविंग रूम में फर्नीचर की प्लेसमेंट। क्या फर्नीचर में से जब आप उतर के बाहर जा रहे हो या कहीं साइड में मूव कर रहे हो, तो क्या आपको ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, या कहीं से दोनों जैसे एल एल शेप सोफा होता है रोहित जी, अगर वो कॉर्नर से अटैच नहीं है और वो बीच में पड़ा है, तो दैट मीन्स वो ऑब्स्ट्रक्शन का खेल है वहां पे। अगर वो कॉर्नर से अटैच है तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि कॉर्नर का सपोर्ट मिल गया उसको। तो मेक श्योर कि आपकी सारी जितनी भी चीजें उनको सपोर्ट मिले किसी चीज का, है ना। अगर वो सपोर्ट रहेगा उनको तो आपके लिए ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, कहीं से आप बहुत फ्रीली आ जा पाएगा और एनर्जी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपने नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट का जो सेक्शन है वहां पर आपको जरूरी या तो एक्वेरियम रख ले, अगर आप मछली के शौकीन है तो छोटी छोटी मछलियां रख के, 7 मछलियां रखनी चाहिए, 6 गोल्ड और 1 ब्लैक,
ना, अगर वो रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप मछलियों के शौकीन नहीं, तो आप वहां पर जैसे नीचे मैंने फाउंटेन दिया है, वाटर फाउंटेन, ऐसा फाउंटेन और बहता हुआ पानी हमेशा रखें। नाउ यहाँ पर एक और रेमेडी है, वो आपके बर्थ चार्ट से पता चलेगी रोहित जी, और वो रेमेडी ये है कि डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट हम उस तरह का एसेंस डाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें चंदन डाल दें तो राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपका राहु अच्छा है एग्जॉल्टेड पोजिशन में, तो कहीं ना कहीं राहु आपको और बेनिफिट करने लगेगा। अगर हम इसमें थोड़ा हल्का सा केसर का पानी डाल दें, अगर जुपिटर की एनर्जी स्ट्रांग होगी तो जुपिटर आपको बेनिफिट करने लगेगा। सो यू नो, अगर इसमें हम हल्का सा आधा चम्मच दूध डाल दें तो मून की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो ये जो फाउंटेन है, इसके अंदर बहुत सारी रेमेडीज आप कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके बर्थ चार्ट में कि किस तरह का प्लैनेट कौन सी तरह की एनर्जी लेके बैठा है। और याद रखिए, और हमेशा कीप इट इन बैक ऑफ योर माइंड कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ही वो डायरेक्शन है जहां से आपको लक्ष्मी माँ आएगी, और कोई डायरेक्शन है ही। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर बहता हुआ पानी रहेगी, और वो बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ पानी नीचे वॉशरूम वाला पानी नहीं होना चाहिए कि फ्लश किया और चला गया, ये बहता हुआ पानी वो चाहिए कि जो बार बार ऊपर आता रहे। तो दैट मींस ये वेल्थ आपके ऊपर बहती हुई रहेगी, बैक टू बैक आपके पास वेल्थ आती रहेगी। इसीलिए ऐसा बहता हुआ छोटा सा फाउंटेन रखे जिसका सेल्फ कंटेन्ड पानी वापस रिसाइकल होता रहे, वापस आता रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। अब किचन, किचन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि हम वहाँ खाना खाते हैं, और खाने की जो एनर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और खास करके वो जगह की जहां से हमें खाना मिलता है। अब देखिए, अगर आपका घर वास्तु कंप्लायंट नहीं है, या आप नया घर ले रहे हैं, नया घर बनाने की सोच रहे हैं, तो आपको पोजिशन ऑफ स्टोव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोव हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो तो बहुत अच्छा होगा। और ये भी देखिए, आजकल मॉडर्न होम आ गए तो घर का दरवाजा खुला और सामने किचन है, राइट, मॉडर्न स्टूडियो होम्स बोलते हैं उसको, वो खोला सामने किचन है। तो देखिए, सामने स्टोव ना हो, किचन हो कोई प्रॉब्लम, लेकिन स्टोव या तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, जो दरवाजे से दिखे ना, इट शुड बी हिडन फ्रॉम द डोर। तो आप ध्यान दीजिए कि स्टोव की कंडीशन क्या है, और ऐसी जगह पे आप कोई अच्छा दरवाजा खोलो, सामने माइक्रोवेव पड़े, हटा दीजिए, माइक्रोवेव को भी लेफ्ट में रखिए। दरवाजे के सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो गर्म करे चीजों को, राइट। तो इससे आपके घर में ध्यान रखिए, इस ना करें। दूसरी बात, हम ये हिंदू में भी मान्यता है, हिंदू कल्चर में और इंडिया के कल्चर में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी कल्चर हो, ये माना जाता है कि शाम को अगर हम बर्तन जूठे रख के चले जाए ना, तो सोचिए शाम का समय ही लक्ष्मी माता का समय है। जब लक्ष्मी माता आपके घर आएगी और देखेगी जूठे बर्तन और ये, सो शी विल नॉट लाइक इट। एंड ओवरऑल अपने घर की और यू नो अपने हाइजीन के लिए भी बराबर नहीं है। सो इसलिए शाम को आप जब भी अपने घर के अंदर डिनर वगैरह कर ले, तो अपनी बर्तन को यू नो साफ तरीके से रख दे, आप उसको क्लीन कर दे उसी समय पे, अपने किचन को पोंछ के बाकी सब चीजें जहां जहां उनकी जगह है वहां पर रख दे। सो उससे भी आपको यू नो बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड कहीं ना कहीं आपके घर में प्रोस्पैरिटी आएगी। प्रोस्पैरिटी सबसे ज्यादा हमें किचन में ही चाहिए, और सबसे ज्यादा हम अपने तिजोरी में ढूंढते हैं। देखिए, हमें पैसा मिले ना मिले चलेगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। सो प्रोस्पैरिटी हमें हमेशा अपने किचन में ढूंढनी चाहिए। डाइनिंग एरिया, अब डाइनिंग एरिया एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया क्योंकि जहाँ पर आप बैठेंगे और बैठकर, देखो पहले की प्रथा तो ये थी कि जमीन पे बैठेंगे हम, और जमीन पे बैठ के हम चारों तरफ पानी डाल के आप पवित्र पवित्र करके उसके बाद खाने को पवित्र करके उसको खाएंगे। लेकिन अभी का सिचुएशन डिफरेंट हो गया है, अभी हमारे घर में डाइनिंग टेबल्स है, छः छः कुर्सियों वाले, बेंच वाले, मेरी वाइफ का बड़ा शौक है, बेंच लेके आई है डाइनिंग टेबल। सो डाइनिंग टेबल होना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, एवरी वन शुड प्रॉस्पर, लेकिन वो उसको नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में रखा जाए, और इंश्योर करें कि वो क्लीन और क्लटर फ्री हो। खाना खाने के बाद उसको हटा के वापस क्लीन कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ना हम यहाँ पर मील्स को प्रमोट करते, और ये यू नो इट दैट मील्स विच वी टेक, ये आपके अबेंडेंस, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके पास हमेशा मील्स की कमी ना हो, नंबर वन वो, और दूसरा गुड हेल्थ आपको मिले वो मील खाने के बाद। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट डायरेक्शन इसके लिए बहुत फेवरेबल माना जाता है। डाइनिंग टेबल को एकदम साफ रखें। बेडरूम, ओह बेडरूम का मैंने फोटो चेंज नहीं किया, चलो कोई नहीं। अब बेडरूम का पोजीशन जो है ना रोहित जी, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए बेडरूम। अवॉइड प्लेसिंग मिरर्स और टेलीविजन स्क्रीन्स, क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। तो कभी भी अपने बेड के सामने हम टेलीविजन लेके बैठे होते हैं कि अवॉइड नहीं करना चाहिए आपको, आपकी हेल्थ, आपका नींद डिस्टर्ब होगा, आपकी हेल्थ खराब होगी, आपको फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन आपकी पड़ रही है वहाँ। अगर आप टीवी में भी देखो ध्यान से, हल्का हल्का जाते आते रिफ्लेक्शन दिखता है रोहित जी, क्योंकि उसका आजकल एलईडी का स्क्रीन ही ऐसा हो गया है, और उसी तरह से कभी भी मिरर भी ना रखा जाए सामने, ठीक है रोहित जी। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे बेड के सामने मिरर है,
देखिए उसके ऊपर वो चद्दर लगी हुई कवर्ड है वो, तो क्या करें अभी, जब जो है वास्तु में वो है भाई, क्या कर सकते हैं। और मिरर चाहिए भी, मिरर भी चाहिए वो, क्योंकि वो आया ही ऐसा डाइन, वो पीस ऐसा है, उसको भी घुमा भी नहीं सकते, तब तो इतना नॉलेज भी नहीं था। सो उसके लिए थोड़ा सा उसको ऑल्टर कर दीजिए। दूसरी बात है, आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा चला हुआ है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, राइट। तो आपके घर में अगर आप स्टडी और होम ऑफिस को देखें, तो आप उसको ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि वहां पर से ना नॉर्थ ईस्ट, जैसे अभी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा वर्क प्लेस है, सामने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है मेरे, सो यू नो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहने से आपकी एनर्जी बहुत अच्छी मेंटेन रहती है पूरा दिन, यू नो आपकी फोकस प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ती है। सो व्हेनेवर यू आर वर्किंग, इफ यू डोंट हैव अ प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट, आप नहीं बैठ सकते, वहां नहीं जगह है, तो एटलीस्ट अपना मुंह और अपने अपना मुंह नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। दूसरी एक और बात है, जैसे आप देखेंगे इस टेबल पे एक छोटा सा प्लांट पड़ा है ग्रीन कलर का, ऐसा कोई प्लांट भी रखे, वो नेक्स्ट लाइट भी वही है, पर ऐसा कोई प्लांट रखे। इसका रीजन है, जब भी आप काम करते हैं ना, ग्रीन जो लाइट, ग्रीन जो चीज है ना, कोई भी ग्रीन चीज, एनीथिंग ग्रीन, वो आपकी आंखों को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देती है। आप पूरा टाइम कंप्यूटर में लगे रहते हैं, 2 मिनट आपने ग्रीन देख लिया ना, आपकी आंखों को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड इट इज बिकॉज ऑफ गॉड, ये भगवान ने किया है ऐसा काम, क्योंकि भगवान ने पूरे संसार को ग्रीन करा दिया है। सो हमारे बचपन से यू नो हमें ये, या तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे माइंड में ये चीज चलती है कि अरे यार जब जंगल जाएंगे ना वहां बहुत अच्छा लगेगा, अरे पहाड़ों पे जाएंगे हरियाली हरियाली होगी वहां पे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो हरियाली है ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया, इसका मतलब यही है कि ये जो ग्रीन चीज है ना, या तो अगर आप ग्रीन पौधा नहीं रख सकते फॉर सम रीजन, तो सामने एक छोटा सा ग्रीन कलर का पेपर लगा लीजिए और अपने काम करने के बाद ग्रीन को देखिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, वास्तु के लिए भी बहुत अच्छा है। अब यू नो, अब जैसे कलर्स, कलर्स भी बहुत अच्छी थेरेपी है, कलर्स की थेरेपी, गोल्डन कलर, पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ये कॉमन बेनिफिक कलर्स है। लेकिन ये देखो बात है रोहित जी, ये एसोसिएटेड तो वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के साथ है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट के साथ कोई कलर रेसोनेट करता है, जैसे मेरे लिए मार्स बहुत फेवरेबल है, तो ये देखो मैंने क्या पहना है, मैंने पहना है इसके मरून कलर, लेकिन मेरे लिए उसी के साथ साथ क्या बोलते हैं मरकरी भी फेवरेबल है, तो मैंने क्या किया, मरकरी को यहाँ पर अपने सीने पे लगा दिया कि भाई आप मेरे लिए ज्यादा फेवरेबल हो। सो एक्ट करो लाइक दूसरी। और एक बात मैं आप सबको आज बताना चाहूंगा, जो लोग बिजनेस में, जो लोग का खुद का ब्रांड है, वो ये गुची अरमानी प्राडा बॉस ये सब घटिया ब्रांड्स है मेरे हिसाब से, क्योंकि सब कुछ बांग्लादेश और चाइना में ही बनता है, देयर इज नथिंग जो जारा या ये अपने घर में बनाते हैं, राइट। ये सब वहां से इंपोर्ट करते हैं, ये उधर सस्ता मिलता है वो इंपोर्ट करते हैं, और हमारे इधर 10 टाइम ज्यादा पैसा लगा के दे देते हैं। अगर आपका खुद का कोई ब्रांड है, खुद की कोई कंपनी है, तो मेक श्योर एक छोटा सा 10 टी शर्ट खरीद लीजिए ऐसी कॉटन की, उस पर एक छोटा सा लोगो लगाइए और रोज पहनिए वो, आप अपना ब्रांड प्रमोट करिए, दूसरे का ब्रांड क्यों प्रमोट करिए, है ना। मेक श्योर कि यू ओन योर ब्रांड, यू प्रमोट योर ब्रांड रादर देन लुकिंग फॉर ब्रांड्स इन बिग शोरूम्स। रोहित जी डू यू एग्री ऑन दिस और नो? 100%। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल खुद आकाश जी हैं, आप देख लीजिए ACSTRO की टी शर्ट पहन के बैठते हैं। इन्होंने सही कहा कि वाई टू प्रमोट, आई विल नॉट टेक इवन द नेम ऑफ द ब्रांड, बट आई सी अगर आपका अपना ब्रांड है, लोगो दिखाइए आकाश जी आप अपना, थोड़ा सा ये इन्होंने खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया है पहले, तब आपको सलाह दे रहे हैं। और कितने वीडियो देख लीजिए पीछे इनके, रोज यही पहनते हैं। और कभी कभी मैं जिम से आता हूँ और फटाफट बनाना होता है, तो काले कपड़े पहने होते मैंने, बस और कुछ नहीं होता। सो अपना ब्रांड प्रमोट करें। उसी तरह अगर आपके चार्ट में कोई कलर्स है जो स्पेसिफिकली आपको बहुत फेवरेबल है आपके लिए, सो उसी तरीके का वॉल कलर कराइए, लाइट कलर कराइए, हमेशा लाइट कलर रहे वॉल, ऐसे भड़कीले कलर नहीं होने चाहिए। रेड में भी इट शुड बी लाइट, इट शुड नॉट बी भड़कीला कि आँख को देख के चक्कर आए, जैसे ये मरून हो गया, ये इट्स अ लाइट, इट्स नॉट अ क्या बोलते भड़कीला नहीं है, लाल जो होता है ना एकदम लाल, वो भड़कीला डेंजर। सो मेक श्योर कि आप चूज करें वाइजली कि किस तरह के कलर्स चाहिए, और वो बर्थ चार्ट के थ्रू भी एनालाइज कर सकते हैं, और आपके घर के मैप के थ्रू भी कि किस तरह पे कौन सा वॉल पड़ता है। आगे चलेंगे तो इंडोर प्लांट्स, ये हमारी बहुत प्रथा है कि मनी प्लांट ले आओ पैसे आएंगे, जेड प्लांट ले आओ पैसे आएंगे, पर क्या अभी हमने कभी सोचा कि किस डायरेक्शन में रखें इसको? सब लोग नॉर्थ ईस्ट में रखे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सबसे ज्यादा फेवरेबल इसको साउथ ईस्ट में रखना होगा। अगर आप मनी प्लांट और जेड प्लांट को लेकर अपने घर में साउथ ईस्ट में लगाए, तो ये अट्रैक्ट करेगा एनर्जी और पॉजिटिव और फाइनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि ये वहां पर ग्रो भी बहुत जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि वहां पर सनलाइट भी अबंडेंस में आती है, ठीक है। ईस्ट से निकल के साउथ की तरफ बहुत ज्यादा सनलाइट आती है, तो जिन लोगों का साउथ बैकयार्ड होता है जैसे हमारा है रोहित जी, पूरा दिन वहां आग लगी होती है, इतनी सनलाइट होती है। तो हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप
मनी प्लांट और जेड प्लांट रखे, इसका डायरेक्ट कनेक्शन इज विद ग्रोथ। जब जब वो प्लांट ग्रो होगा तब तब आपके अंदर प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी, फाइनेंशियल गेन्स आपके होंगे। दूसरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है पर क्लीनलीनेस, मेंटेनेंस, अपना घर साफ रखे, मेंटेन रखे, क्लटर निकाले, रेगुलरली क्लीन विंडो, विंडोज को क्लीन करें, घर पे जाले ना लगने दे। घर पे जाले लगने का मतलब आपके घर में इतनी कोई मूवमेंट ही नहीं है, एनर्जी की मूवमेंट ही नहीं है कि आप वो जाले हट पा रहे हैं, वो जाले बढ़ते जाएंगे। सो अगर आपके घर में जाले लग गए, अब जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है ये जालों को हाथ नहीं लगाते, सो आप अपनी बिलीफ को भी मत छोड़िए इसके लिए, क्योंकि देयर वाज अ स्टोरी कि मोहम्मद जी जब छुपे थे, आई थिंक मोहम्मद जी या कोई उनके पीर थे, जब वो कुएं में छुप गए थे तो ऊपर मकड़े ने जाला बना दिया, तो ना जो दुश्मन थे वो ढूंढने आए। अगर कोई हमारे भाई बहन देख रहे जो मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं और वो हमें इस स्टोरी पे थोड़ा हाईलाइट करना चाहेंगे तो प्लीज नीचे जरूर लिखिए। तो रोहित जी हुआ ये कि वो अंदर छुप गए और जब छुप गए तो ऊपर मकड़ी ने जाला बना दिया, तो जब वो लोग ने कुएं में देखा तो उनको कुछ दिख नहीं पाया, मकड़ी ने बचा लिया। सो यू नो कभी कभी ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स भी ऊपर से डिवाइन पावर लेके आते हैं, जो बहुत यू नो अनइमेजिनेशन वाले काम कर लेते हैं। सो इसीलिए आप अगर अपने घर में क्लीनलीनेस मेंटेन रखेंगे, बहुत अच्छे से घर को क्लीन करेंगे, विंडोज क्लीन रखेंगे, तो आपके यहाँ फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी आएगी और कहीं ना कहीं आपके लिए वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। एक और बात यह है कि हमने अपनी वेबसाइट इज फाइनली फुल्ली रेडी, acastro.ca। इफ यू वांट टू बुक योर कंसल्टेशन एंड गेट टू नो द डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंट वेज यू कैन कंसल्ट अस, आप ये वेबसाइट पर जाकर हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम विल गेट इन टच विथ यू, एंड आज रोहित जी का रोल मैं कर रहा हूँ, एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू फॉर फ्यूचर कंसल्टेशन। बिल्कुल सही कहा, और इजी बना दिया गया और ऑथेंटिकेट कर दिया गया है क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट है और बिना किसी, बहुत सारी पेमेंट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ पे नाउ का बटन लगा, आप क्लिक करें और वेरी इजी, जैसे फ्लिपकार्ट और उस पर हम शॉपिंग करते हैं ना, ऐसे फटाफट कार्ड डिटेल्स डालिए और आपका ये हो जाएगा। मैं आपकी तरफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आकाश जी, पेमेंट किसी ने कर दी और अब उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको कैसे जानकारी मिलेगी, अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? पेमेंट जैसे ही कर देंगे मेरे मेल पे आ जाएगा, मेरी टीम अब मेरा कैलेंडर देखे, जैसे भी वो लोग ने चूज किया है, अंडर 10 डेज, अंडर 15 डेज, अंडर 24 आवर्स, जो भी उन्होंने स्लॉट चूज किया है उस तरह से वो उनको फटाफट दे विल पुट इट इन माई कैलेंडर एंड गिव देम स्केड्यूल अकॉर्डिंगली, और वो आपसे डिस्कस भी करेंगे टाइमिंग्स की, आपको कोई टाइमिंग सूट होती है, नहीं होती है, क्या होती है, क्या नहीं। मतलब पेमेंट करने के बाद उनको स्क्रीनशॉट लेना, मेल करना, व्हाट्सएप करना, ऑटोमेटिकली मेल पे आ जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे खाली इंटीमेट कर दे कि वी हैव डन द पेमेंट, सो यू नो इतने सारे आते हैं, अभी मैंने आज शुरू ही किया है कि बाय गॉड्स ग्रेस वो वेबसाइट के ऊपर भीड़ ही भीड़ लगी हुई है, सो कहीं ना कहीं गुड स्टार्ट है। एंड मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया क्योंकि क्या है, कभी कभी यू नो किसी को रिफंड लेना होता है या किसी का क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम आ जाता है कुछ नहीं, तो मैं वन क्लिक रिफंड कर सकता हूँ। कभी कभी आई हैव ए पॉलिसी टू रिफंड मनी, सो आई जस्ट वॉन्ट टू रिफंड देम अगेन इन देयर बैक इन देयर, सो आई विल बी एबल टू रिफंड इट इमीडिएटली। जैसे अगर कोई बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है और उसने पे किया है तो आई डू नॉट टेक मनी फ्रॉम देम, सो इसीलिए गुड वे, गुड इनिशिएटिव मेरी टीम ने किया है, थैंक यू सो मच फॉर द टीम, बहुत मेहनत किया वो लोग ने इस पे। धन्यवाद, थैंक यू आकाश जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कल के हमारे वीडियो पे हजारों लोगों ने कमेंट किए हैं और वो मून जुपिटर बहुत सारी ऑप्शंस आई हैं, और आप इंतजार कीजिए क्योंकि कमेंट ज्यादा आए हैं और कईयों ने मून लिखा है, कईयों ने जुपिटर लिखा है। अब हम चेक ये कर रहे हैं कि शेयरिंग किसने सबसे ज्यादा की है, तो वो टीम कैलकुलेट कर रही है, जैसे हो जाएगा हम कमिंग वीडियो में आपको विनर अनाउंस करेंगे। और फर्स्ट विनर हमारा नहीं, सेकंड आएगा, एक तो मरिया हो चुकी है, मैरी का आज मेल भी आ चुका है, मेरी टीम ने बोला सर मैरी का मेल आ गया, मैं बोला वेरी गुड, उसको अपॉइंटमेंट दे दो वीकेंड की, वो भी खुश थे वीकेंड में ले लूंगी, तो आई थिंक उसको करेंगे कॉन्टेक्ट। लकी विनर कौन होता है देखते हैं। थैंक यू आकाश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि परिवार ने कहा वास्तु पे बनाइए और आपने समय निकाल के वास्तु पे रिसर्च की और ऐसी चीजें बताई, वो कहते हैं ना हींग लगे ना फटकड़ी और रंग चौखा, मतलब जो आकाश जी ने बताया है ना उसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्चना है, कुछ खरीद के नहीं लाना है, बस अपनी डिसिप्लिन से उन चीजों को मेंटेन करना और फिर देखिए माँ लक्ष्मी कैसे आप पे मेहरबान होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए लाइव में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, ओम शिव।